मैं अनीता सिंह खवासा जो गांव है ये कुरई ब्लॉक और सिवनी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और चूँकि हम लोग यहीं बचपन से यहीं मेरा जन्म ही यहाँ हुआ और आज 14 मई चूँकि अपने घर से संदल निकलता है और संदल ऐसा कि ये बाबूजी की देन है हमारे और बाबूजी का नाम मरहूम मनोहर लाल सिंह। कुछ ऐसी घटना घटी उस जगह में पसधार के उस दरगाह की जगह में कि बाबूजी को कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि किसी से लड़ाई कर रहे हैं वो और फिर बाद में सफ़ेद कपड़ों में बाबा सामने खड़े नज़र आए। तब फिर बाबूजी को लगा कि नहीं मैं जो लड़ रहा था जिससे वो और कोई नहीं कोई शख्सियत है और बाबूजी ने उस दिन से ठान लिए थे कि यहाँ मुझे कुछ करना है। फिर बाबूजी को सपने में दिखे बाबा कि ये मेरी जगह है तू यहाँ पर ऐसा बैठा था या जैसा भी तेरी गलती की सज़ा ये है कि अब तू यहाँ पर मुझे यानी बसाएगा। तो बाबूजी ने उस दिन और वो 14 मई की ही घटना थी तो 14 मई को जब वो ऐसा हुआ तो 14 मई को ही इसी कारण से उर्स भरता है और लगभग 42वां साल है ये जो उर्स भर रहा अपने घर से ही संदल निकलता है और बाबूजी चूँकि इसके सूत्रधार रहे लेकिन 2003 में बाबूजी की डेथ हो जाने के कारण फिर यानी ऐसा लगा कि जब बाबूजी ने ये प्रथा चलाए हैं तो हमको भी बनाए रखना है तो पूरा परिवार एक साथ मिलकर ये चलाते हैं। और ऐसा ही नहीं कि परिवार ही यानी गांव के हमारे गांव के हों चाहे आसपास के गांव के कि सभी को पता हो गया कि 14 मई यानी मनोहर मां साहब के घर से संदल जाता है और उर्स भरता है कव्वाली होती है तो अब बताने की ज़रूरत भी नहीं लोगों को यानी सबको पता है। और वही आज का दिन है कि आज अपने घर से यहाँ से संदल निकलने वाला है बाबा की चादर पेश होगी। जैसे बाबूजी शुरू से उर्स भरवाते रहे तो ऐसा तो है नहीं कि हिंदू हैं तो हिंदू से ही संपर्क करेंगे या मुस्लिम समाज का है उर्स तो मुस्लिम समाज से ही बिल्कुल ऐसा कभी भेदभाव समझ में नहीं आया। बाबूजी भी जब उर्स भरवाते थे हम लोग छोटे थे तो हम लोग देखते थे कि कितने अच्छे से सब यानी बाबूजी के जो दोस्त हैं चाहे हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों सारे बैठ के सब सलाम मशवरा करते थे कव्वाली साथ में सुनते थे संदल जब निकलता है तो साथ में तो वही हमने बचपन से देखे हैं तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम तो हिंदू हैं हमारा त्यौहार दीपावली है और होली है हम ईद भी आती है तो उतने ही अच्छे से मनाते हैं मिलादुन्नबी आती है तो उतने ही अच्छे से मनाते हैं। आज भी बाबूजी के ना रहने पर भी हम लोग जब मना रहे हैं मुझे तनिक भी परेशानी नहीं होती कि मैं कैसे मनाऊँ या कैसे चादर पेश करूँ बाबा को क्योंकि हिंदू और मुस्लिम यानी ऐसा कुछ समझ में नहीं आता हम लोगों को बस हमको ये मालूम है कि चादर पेश संदल निकलना है चादर ले जाना है बाबा को पेश करना है सब मिलके कव्वाली सुनना है तो बहुत अच्छा ये लगता है हमारे गांव में या आसपास के भी गांव में कि हिंदू मुस्लिम इतने मिलकर ये संदल ले जाते हैं और हम लोग सब बाबा को चादर पेश करते हैं। कभी ये भी किसी ने ये नहीं करा कि हिंदू होकर आपके यहाँ से संदल क्यों और किसी के यहाँ से क्यों नहीं क्योंकि उनको ये कारण मालूम हो गया था कि मनोहर मां साहब को ख्वाब में आए हैं बाबा और उन्होंने बशारत दी या जैसा भी उनको उस समय हुआ हो
तो सब ने एक्सेप्ट करे और सब मिल के बहुत अच्छे से मनाते हैं हमारे साथ। Yeah.
Thank you.
जो पसधार नदी वाले बाबा को हम हजरत बाबा पसधार नदी वाले के ही नाम से जानते हैं, और ज़्यादा शायद मेरे नॉलेज में ये नहीं है कि उनका नाम कभी मैंने भी जानने की कोशिश नहीं की। तो हजरत बाबा पसधार नदी वाले माने हमारे बाबा हजरत बाबा पसधार नदी वाले चालू है। तो ये हो सकता है कि बाबा सखी भी रहमतुल्लाह अलैह के साथी हो। हाँ बिल्कुल, हाँ, क्योंकि उनका दरबार ये किसी तरह वो यहाँ घूमने आए हों और उनको कोई तकलीफ़ पहुँचा दिए हों मेरे बाबूजी ने, तो उनके जो भी उनको यानी वो किए उन्होंने, तो हजरत बाबा पसधार नदी वाले के नाम से ही जाना। मैं इतना जानती हूँ कि मेरे गांव में हिंदू मुस्लिम एकता बहुत अच्छे से बरकरार है। कभी कभी ऐसा होता है कहीं से कुछ वाकया सुनाई आता है, समझ में आता है, महसूस करते हैं, लेकिन खवासा में ऐसा नहीं लगा। हमारे साबिर मामू, हमारे साकिर मामू, हमारे राजकुमार मामा ऐसा रहता ना, तो हिंदू मुस्लिम हमने कभी नहीं जाने यहाँ पर। तो मैं हमारे गांव में जो वो हो रहा है कि सभी हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलके ही मनाते हैं, ऐसे ही मैं चाहूँगी कि पूरी दुनिया में ये माहौल रहे, और हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं रखा है, बस एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहें। बस यही एक संदेश मेरे तरफ से सभी के लिए है कि बस एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे की कद्र करें, और इंसानियत तो यही कहती है कि सब एक साथ मिलकर रहें तो ज़्यादा अच्छा। हिंदू मुस्लिम करने में कुछ नहीं रखा है, सब लोग एक साथ मिलकर रहें, मोहब्बत करें एक दूसरे से, बस यही। का आप ही।